नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज के बाद से कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कई लोग इस फिल्म का खुलकर समर्थन करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ अन्य फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच आज युवक युवतियों ने मूवी देखने के बाद भावुक होकर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की। बता दें कि देश के अन्य राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश में भी फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। सोमवार को फिरोजाबाद जिले के भारत टाकीज में चल रही द केरला स्टोरी फिल्म देखने पहुंचे युवक युवतियों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक फिल्म मात्र नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने आगे कहा कि इस देश के हर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में दिखाना जाना चाहिए, ताकि युवक और युवतियाँ अपनी संस्कृति को समझ सकें और ऐसे किसी ट्रैप में ना फंसें। वहीं कुछ लोगों ने इसके विरोध भी किया। वहीं भाजपा नेत्री ने कहा कि इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए सभी को बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इन मुद्दों पर हर किसी को समय रहते ही जागरूक होने की आवश्यकता है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं नीता धनगर हूं और हम लोग सब शिकोहाबाद से आए हैं। हमें जैसा कि ये पता चला है कि केरला स्टोरी बेस्ड ऑन केरला, जो वहाँ की महिलाएं हैं, 32,000 महिलाओं को धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुस्लिम बना दिया गया और किस तरह से किया गया, हमारे देश को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, इस स्टोरी में वो दिखाया गया है। और हम सभी महिलाएं देखकर बहुत अचंभित हैं और थोड़ा हम डर गए हैं, तो हम अपने समाज को जागरूक करना चाहते हैं कि अगर ऐसे ही होता रहा तो ये हमारे देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में है। अच्छा जी, आप आई हो भारत टॉकीज के बारे में बताइए। आप भारत टॉकीज में आई हो, आप कैसा लग रहा है आपको? जी, भारत टॉकीज ये फिरोजाबाद आशावाद में है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इस टॉकीज पर भारत, जैसा कि भारत मेरे भारत देश का नाम है, टॉकीज का नाम भी भारत है, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम सब बहनें यहाँ मूवी देखने आए हैं और बहुत शांतिपूर्ण वातावरण है। ठीक, तो कुछ मानसिकता के ऊपर है कि जो लोग ये सोचते हैं कि धर्म क्या, अपने धर्म को भूलकर दूसरे धर्म की ओर जाना, आकर्षण करना। ईश्वर ने हमें अपने धर्म में दिया है जन्म, उस धर्म को पालन हम अच्छे से करें और अपनी मानसिकता को बदलें, और ना कि दूसरे के धर्म में इंटरफेयर करके दूसरे के धर्म को बदलने का प्रयास करें। हमारा धर्म हमें सिर्फ विनम्रता सिखाता है, हमारा धर्म हमें बोलना, सभी से प्रेम भाव करना सिखाता है। और केरला स्टोरी की बात की जाए तो ये केरला ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया की मुसीबत है, बल्कि पूरे इंडिया में ऐसा फैलाव है। और सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगी, कुछ राज्यों ने इसे बैन कर रखा है, तो उन राज्यों के लिए भी कहना चाहूँगी, जरा अपनी मानसिकता को बदलिए। सच्चाई दिखाने से डरने की जरूरत नहीं है आपको, सच्चाई दिखाइए, अब समाज को बदलिए। और मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करना चाहूँगी कि उन्होंने टैक्स फ्री किया और इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वो मिला। जय श्री राम। अजी क्या सोच रहे हो? हम यही सोच रहे हैं कि बच्चों का एडमिशन कौन से स्कूल में और कहां कराया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ने जाएं जहां हिंदी और इंग्लिश मीडियम हो और नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी कराई जाती हो। हाँ हाँ, तो सुनिए, अपने पड़ोसी शर्मा जी हैं ना, उनके बच्चे होली पब्लिक स्कूल में ही तो पढ़ते हैं शिकोहाबाद में। इस विद्यालय में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ठीक है राधा, हम भी अपने बच्चों का एडमिशन होली पब्लिक स्कूल शिकोहाबाद में ही कराएंगे। हाँ चलिए। जी हाँ, आप भी अपने बच्चों का एडमिशन होली पब्लिक स्कूल शिकोहाबाद में कराएं और बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाकर बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाएं। उत्तम शिक्षा का सर्वोत्तम विद्यालय होली पब्लिक स्कूल माधोगंज शिकोहाबाद। होली पब्लिक स्कूल में आवासीय सुविधा उपलब्ध, कुशल अनुभवी क्वालिफाइड टीचरों द्वारा सर्वोत्तम शिक्षण कार्य, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना सिखाना, आधुनिक कंप्यूटर लैब, कमजोर बच्चों के लिए अलग से कक्षाएं संचालित,
आवासीय बच्चों के रहने व खाने पीने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। नवोदय, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और विद्या ज्ञान की तैयारी कराई जाती है। आप अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तम शिक्षा दिलाने के लिए आप अपने बच्चों का एडमिशन होली पब्लिक स्कूल शोहाबाद में ही कराएं। एडमिशन ओपन, प्रवेश प्रारंभ। नर्सरी से कक्षा 9 तक। विद्यालय का नाम और पता नोट कीजिएगा, होली पब्लिक स्कूल माधोगंज शिकोहाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9456628309 एंड 9456628310। होली पब्लिक स्कूल शिकोहाबाद।